वेलकम एवरीवन मेरे चैनल फन विद कुकिंग में। आज मैं पनीर ब्रेड पिज्ज़ा बना रही हूँ जो बच्चों को बहुत फेवरेट होती है, बहुत इजीली बन जाती है। बस कुछ इंग्रेडिएंट आपके हाथ के सामने होनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ, इससे ब्रेड नीचे से भी अच्छी तरह से सीख जाएगी एंड ब्रेड को ट्रे से निकालने में भी इजी होगा। मैं यहाँ तेल यूज़ किया, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरे ट्रे में तो तीन ही आएगी, तो मैं तीन ब्रेड को पहले अरेंज कर लेती हूँ। अब मैं इन तीनों ब्रेड के ऊपर पिज्जा सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। एनी हाउ, अगर जल्दीबाजी में पिज्जा सॉस आप नहीं बना पा रहे हो तो प्लेन जो घर में टोमेटो केचप होती है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी तरह से मैं तीनों ब्रेड में सॉस को अप्लाई कर देती हूँ। सॉस मेरा अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। अब थोड़ा सा पिज्जा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। अब इसके ऊपर पनीर को ग्रेट करके डालती हूँ। स्प्रेड कर देती हूँ अच्छी तरह से तीनों के ऊपर। पनीर मेरा अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया तीनों ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर चीज को भी ग्रेट कर देती हूँ। चीज कितना डालना है वो आपके ऊपर है, आप ज्यादा कम डाल ही सकते हो। इसे भी अच्छी तरह से तीनों ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। अब इसके ऊपर मिक्स हर्ब स्प्रिंकल कर देती हूँ। ऑरिगेनो भी अगर है तो ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल देती हूँ। अब इसे प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 मिनट तक बेक कर लेती हूँ। पनीर वाली ब्रेड पिज्जा मेरा बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी तरह से ये बेक हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसे कट कर लेती हूँ। बहुत गर्म है तो स्पैचुला का हेल्प लेके मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो मेरा यम्मी पनीर ब्रेड पिज्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। कैसे लगे फ्रेंड्स, मेरा ये छोटी सी कोशिश थी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। ऐसे छोटी छोटी कोशिश मैं करती रहूंगी, आप मेरे साथ बने रहो। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।